कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को पार्टी लाइन से परे बयान देने के लिए नेताओं की खिंचाई की। खड़गे ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों से सबक सीखकर जवाबदेही तय करने और कमियों को दूर करने के लिए कड़े फैसले लेने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अंदरूनी कलह कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है और नेताओं से पार्टी विरोधी टिप्पणी करना बंद करने का आग्रह किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब तक हम एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बयान देना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम अपने विरोधियों को राजनीतिक तौर से कैसे हरा पाएंगे। खड़गे ने ये सारी बातें हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार का विश्लेषण करने के लिए आयोजित CWC की बैठक में कहा। इस पर राहुल गांधी ने खड़गे का समर्थन किया और जवाब देते हुए कहा कि खड़गे जी ने व्हिप तोड़ दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल ने कहा कि खड़गे जी ने कोड़ा चला दिया है। दरअसल बैठक के दौरान खड़गे ने कहा कि उनका मानना है कि EVM ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं लड़े जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कब तक राज्य के नेता राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। खड़गे ने चुनाव परिणामों से सबक सीखकर पार्टी में कमियों को दूर करने का भी आह्वान किया और कहा कि पार्टी को अपने प्रतिद्वंदियों की ओर से दुष्प्रचार और गलत सूचना का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए एक रणनीति तैयार करनी होगी। खड़गे ने CWC की बैठक में कहा कि महत्वपूर्ण है कि हम अनुशासन का सख्ती से पालन करें। हमें हर परिस्थिति में एकजुट होना होगा। पार्टी के पास अनुशासन का हथियार भी है, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी बंधन में नहीं डालना चाहते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चुनाव परिणामों से निराश नहीं होने का आग्रह किया और कहा कि सभी को ये सोचने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी की जीत हमारी जीत है और हार हमारी हार है। हमारी ताकत पार्टी की ताकत में है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता इस देश में ज्वलंत मुद्दे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जाति जनगणना भी आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं से भविष्य के चुनावों की तैयारी पहले से शुरू करने और मतदाता सूची की ठीक से जांच करने का भी आह्वान किया। खड़गे ने कहा कि चुनाव लड़ने के तरीके बदल चुके हैं और पार्टी को अपनी सूक्ष्म संचार रणनीति को अपने विरोधियों से बेहतर बनाना होगा। उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार और गलत सूचना से लड़ने के तरीके भी खोजने होंगे। हमें पिछले परिणामों से सबक लेकर आगे बढ़ना होगा, कमियों को दूर करना होगा, कठिन निर्णय आत्मविश्वास के साथ लेने होंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।